व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? डिस्कस इट्स वर्किंग इन डायग्राम, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसकी एक्सप्लेन करना डायग्राम के साथ, यानी हर चीज जब भी रिंग टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी, जितनी भी टोपोलॉजी का टाइप है, आपने डायग्राम मस्ट बनानी है, क्योंकि उसके बगैर तो आप ये उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट, दस आ रिंग ऑफ कंप्यूटर इज फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या होता है कि एक जो नेक्स्ट कंप्यूटर होता है, मतलब हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और जो सबसे लास्ट वाला कंप्यूटर है वो सबसे पहले के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यानी इसमें क्या था कि ये इसके थ्रू कनेक्टेड है या वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो रिंग में क्या है कि एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है और सबसे लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से क्या बन जाती है? फॉर्म, यानी उसकी शक्ल बन जाती है, एक रिंग की शेप बन जाती है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? इसकी वर्किंग कैसे होती है? एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन अ रिंग। ईच कंप्यूटर रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट इट्स टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। द मैसेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। द मैसेज इज पास अराउंड द रिंग अंटिल इट रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन कंप्यूटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, इसमें ये था कि एक इसने अगर इसको मैसेज करना है तो वो क्या करेगा, उसका एड्रेस देगा और आपका जो मैसेज होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास चला जाता है। जैसे ही जिसका अगर वो मैच करता है कंप्यूटर के साथ एड्रेस, तो वो रख लेता, नहीं तो वो आगे सेंड कर देता है। रिंग टोपोलॉजी में भी ऐसे ही होता है सेम, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक फ्लो के साथ चल रहा होता है। ठीक है, इसकी बिल्कुल वर्किंग बस टोपोलॉजी की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या फर्क होता है कि ये फ्लो फ्लो मतलब उसकी एक डायरेक्शन है, यानी उसका बहाव, हम कहते हैं पानी का बहाव इस तरफ है, तो ये भी एक उसका मतलब उसकी डायरेक्शन कैसे जा रही होती है। इसमें हम कह सकते हैं अगर इन केस इस वाले कंप्यूटर ने इसको भेजना है, तो इसका तो फ्लो नहीं हो सकता। हो सकता है वो यहाँ पहले भेजे भी या यहाँ पहले भेजे या यहाँ पहले भेजे, तो इसका फ्लो नहीं होता। लेकिन इसमें रिंग की तरह है, तो एक पहले फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है ये कंप्यूटर ए है, ठीक है, और ये बी है, और ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो इसमें जो है, इन केस हम कहते हैं कि ये इस वाले कंप्यूटर ने इसे मैसेज सेंड करना है। ठीक है, तो अब हम एक मैसेज कैसे जाएगा, आपका मैसेज वो ऐसे सेंड होगा। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज हमने इसे पढ़ा था, कुछ की जो न्यू बुक पे शेप थोड़ी चेंज होगी, तो फ्लो के साथ जाएगा। पहले इसके पास जाएगा, देखेगा उसका ड्रेस मैच है नहीं, तो फिर जो है वो आगे से फॉरवर्ड कर देगा, देखेगा इसका ड्रेस मैच और कहेगा हाँ इसे मुझे भेजा हुआ है, तो इसी पे मैसेज रख लेगा। इस तरह इसकी डायरेक्शन जो है वो चलती है। अब इसके मतलब इसकी जो वर्किंग है सेम लाइक उसकी तरह है बस टोपोलॉजी की तरह, बस फर्क कहाँ आया कि मैसेज का जो फ्लो होता है वो एक डायरेक्शन के तौर पर, यहाँ तो डायरेक्शन इस तरह से हो सकती है, यहाँ डायरेक्शन इस तरह से हो सकती है, लेकिन इसने डायरेक्शन यहाँ बनाई हुई है, देखे बनी हुई है ना, ये आपको एरो नजर आ रहा होगा। डायरेक्शन अगर इनकेस यहाँ से शुरू हुआ तो इसकी डायरेक्शन ऐसे चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, इधर से, अगर इधर से चले तो जो अगर इधर से चले तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से चले तो ये क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको ये तो मैथ का रूल है, लेकिन आप इसे वैसे याद रखेंगे इसकी डायरेक्शन कैसे चलेगी, जैसे घड़ी चलती है उस तरह से ही है, यानी क्लॉकवाइज। इसके नुकसान और फायदे क्या है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस को हम बेनिफिट्स भी बोलते हैं और डिसएडवांटेजेस को हम ड्रॉबैक्स बोलते हैं। बेनिफिट्स, इसके लिए वर्ड आता है एक बेनिफिट्स, इसको हम यो यहाँ पे बेनिफिट्स इसका आता है, और इसको हम ड्रॉबैक भी बोलते हैं। जैसे आप लोगों को तो वो आसान जबान में ही वो पूछते हैं, बुक पे लिखा होता है ना, लेकिन मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं ड्रॉबैक।
अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज लेस एक्सपेंसिव देन स्टार टोपोलॉजी. ये स्टार टोपोलॉजी लेस एक्सपेंसिव यानी सस्ता है, यानी उससे कम महंगा है. कैसे? क्योंकि इसमें वायर का मसला था ज्यादा. स्टार्टअप में जाहिर है वो सेंट्रल हब होती है जिसकी बेस पे जो आपको ना वो अच्छा कंप्यूटर चाहिए होता है, इसकी बेस पे वो ज्यादा महंगा होता है. लेकिन इसमें ये पेयर टू पेयर में चलता है क्योंकि इसमें बस की तरह है, तो इसमें क्लाइंट तो कोई वो ना क्लाइंट है ना सर्वर है, ये पेयर टू पेयर मॉडल है. पेयर टू पेयर मॉडल में यानी खुद ही क्लाइंट होती है सर्वर. एवरी कंप्यूटर हैज इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क, यानी पेयर टू पेयर नेटवर्क है, ठीक है. फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है. बस जो पारोजी में क्या था कि अगर एक खराब होता है तो बाकी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये वाला कंप्यूटर अगर इन केस खराब हो गया, ठीक है, ये वाला कंप्यूटर खराब हो गया, तो बाकी ये सारे जो हैं ये बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आपने इसमें क्या पढ़ा कि जो मैसेज होता है वो वन बाय वन फ्लो की तरह चलता है. अगर यही खराब है तो ये मैसेज यहाँ पे नहीं जाएगा. इसलिए क्या, इट इज डिफिकल्ट ट्रबल शूट, यानी इसको फिर ट्रबल शूट करना, यानी इसके मसले हैं उसको हल करना मुश्किल होता है. एडिंग आर रिमूविंग कंप्यूटर अफेक्ट द होल नेटवर्क, यानी अगर इसको हमने रिमूव करना है इस वाले को तो बाकी सबको ये अफेक्ट करेंगे. जब तक ये रिमूव होगी, ये वाली वायर इसके साथ अटैच नहीं हो जाती, तब तक आपका ये सारे सिस्टम बेकार पड़े रहेंगे. ये इसके नुकसान आते हैं. आगे हमारे पास आती है, व्हाट इज ट्री टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? ट्री है तो इसमें यानी एक ट्री बना होगा, उसकी ब्रांचेस होंगी, निशाहें होंगी, रूट होगा, जड़ जिसे बोलते हैं. ट्री टोपोलॉजी कंबाइन्स है कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात बोलते हैं, जैसे आप बस हैं स्टार टोपोलॉजी. यानी जैसे हाइब्रिड आपने मॉडल पढ़ा था, हाइब्रिड क्या होता है कि उसके अंदर क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर मॉडल कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है. जैसे कि आप उनके दो सेक्शन, एक जो है आईसीएस फिजिक्स का सेक्शन है, आईसीएस इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है, ठीक है. तो क्या होता है, वो कंबाइन हो जाता है, उसे हाइब्रिड भी बोलते हैं. ट्री टोपोलॉजी इसी तरह से, ट्री टोपोलॉजी के अंदर जो बस टोपोलॉजी है और स्टार टोपोलॉजी है आपस में कनेक्टेड हो जाती है, यानी पेयर टू पेयर और क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क है, ये पेयर टू पेयर है, ये क्लाइंट सर्वर है, तो ये क्या होता है आपस में कंबाइन हो जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स अटैच इन स्टार टोपोलॉजी, द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल. ट्री टोपोलॉजी इज यूज इन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क. इसमें क्या होता है, ये एक्सपेंशन के लिए है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंडियन जिसे बोल सकते हैं. एक्सपेंशन क्या होती है, एक्सपेंड करना यानी वसत फैलाना, बड़ा करना. अगर ऑलरेडी आपका एक बना हुआ है, मतलब स्टार टोपोलॉजी बनी हुई, आप फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं, या आपके कॉलेज में एक लैब है, तो हम कहते हैं कि वो लैब छोटी है तो हम एक और लैब बनाना चाहते हैं. तो वो एक और लैब बना के ये एक मतलब फॉर एग्जांपल ये लैब वन होगी, लैब टू होगी. तो अब इस वाले सारे कंप्यूटर्स को इन सारे कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, तो उसके साथ रू आपकी ये बस बैकबोन लगेगी, यानी केबल लगेगी ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस इसके ये हैं, इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट. पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग का क्या मतलब है, इंडिविजुअल इंफरादी सेगमेंट, सेगमेंट्स में हम ये सेगमेंट होता है एक, ये सेगमेंट, ये तीन सेगमेंट, ये चार सेगमेंट होगा, ठीक है. हमारे पास ये चार सेगमेंट होगा, ये बस बैकबोन होगी उसकी, ये टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर पढ़ा था ना, उसमें टर्मिनेटर होते हैं जो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं सिग्नल्स को. तो इसमें क्या होता है कि ये वायर लगेगी हर सेगमेंट के साथ, क्या होगी, वायर लगेगी अलहदा अलहदा, ये नहीं कि एक ही वायर जो है वो ऐसे ऐसे अटैच हुई है. हाँ, ये देखिए, ये हर सेगमेंट के साथ एक वायर लगेगी. इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स. ये सेवरल का मतलब है कई, डिफरेंट से निकला ये. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स क्या होते हैं, वेंडर्स आपके पास जो है आते हैं, हाँ ये हम इसे बोलते हैं शियाए होते बोलते हैं. इसमें क्या, वेंडर क्या होता है, अ पर्सन अ कंपनी ऑफरिंग समथिंग फॉर सेल, स्पेशली अ ट्रेड इन द स्ट्रीट. वेंडर जिसे हम बोलते हैं उर्दू में चीजें बेचने वाले, जैसा ये सर ये क्या बने होते हैं, ये वेंडर्स होते हैं जो चीजें कुछ बेच रहे होते हैं.
तो जो तजारत करने वाले होते हैं उनको भी वेंडर्स बोलते हैं। ऐसे ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वेंडर्स में क्या आएगा कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनीज होती हैं जो कंप्यूटर बनाती हैं, जो यहाँ पे जो मोबाइल कंपनीज होती हैं, तो वो क्या बन जाते हैं वेंडर। जैसे कि हम बात करके पाकिस्तान के वेंडर्स कौन कौन से, हम कहते हैं कि वीवो का वेंडर ठीक है, मोबाइल हो गया ना। इसके बाद जो है इसके, यहाँ वैसे हम बात की जाए एंड्रॉयड फोन की और जो है आईफोन की ठीक है, तो उसमें वो क्या बनेगा, आईफोन जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, तो वो क्या हो जाएगा वेंडर्स बन जाते हैं। दो दो चीजों का नाम हो जाता है ना, वेंडर्स वेंडर्स बन जाते हैं। इस तरह से जैसे कि वीवो है मोबाइल की एग्जाम्पल ले, वीवो है या लैपटॉप एग्जाम्पल ले, डेल का लैपटॉप होता है, एचपी का लैपटॉप होता है, तो ये एचपी और डेल क्या है वेंडर्स है ठीक है। तो ये कहाँ कौन यूज करते हैं, वेंडर्स यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज। इसमें क्या होता है कि हर सेगमेंट की एक लिमिट होती है, क्योंकि अगर केबल यूज करें, अब सेगमेंट क्या होता है कि ये एक सेगमेंट है तो उसके अंदर कितने कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपने पता है स्टार्टअप वाले जिसमें केबल जो है वो ज्यादा यूज होती है, अगर ऐड रिमूव करना है वो तो आसान है, लेकिन जो है उस केबल लगेगी तो वो क्या बन जाएगा, एक्सपेंसिव बन जाएगा। इसलिए क्या है यहाँ पे इसका नुकसान क्या है कि एक लेंथ जो एक केबल की लेंथ होगी वो लिमिटेड है, महदूद है ठीक है। इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स द एंटायर सेगमेंट गोल्स, अगर ये वाली लाइन, चलो ये वाली अगर खराब होती है तो इसको तो ऐड रिमूव किया जा सकता है, बाकी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये वाली जो है, ये वाली बैकबोन, बस बैकबोन ही खत्म होगी तो आपका सारा जो है वो क्या आपस में कनेक्टेड नहीं होगा, और सारा टोटली सेगमेंट जो होता है वो सारा गोल्स जोन का मतलब है बंद, उसके ऊपर काम नहीं करेगा, चलेगा नहीं। इट इज मोर डिफिकल्ट टू कन्फिगर एंड वाई अदर देन टोपोलॉजी, यानी कन्फिगर का क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई मसला आ गया है उसको हल करना। तो अदर टोपोलॉजी बाकी यानी बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के अलावा उनको जो है डील करना आसान था, लेकिन इसको डील करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, आ रही है, लेकिन इसके अंदर दो टोपोलॉजी आ रही है, बस भी आ रही है, ये बस होगी और ये स्टार टोपोलॉजी होगी। जाहिर है आप बस को भी मेंटेन करोगे और स्टार को भी मेंटेन करोगे, अगर इसके अंदर वो सर्वर ही खराब हो गया इसका ठीक है, तो फिर उसको कैसे मेंटेन करना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही ओवरऑल इसका ये था। अब लास्ट हमारे पास के टाइप है, व्हाट इज मेश टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग डायग्राम, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मेश टोपोलॉजी क्या होती है, मेश बोलते हैं जाल को, यानी एक जाल जो बना होता है, जाल में क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह वो अटैच होते हैं। तो नेटवर्क के अंदर जाल कैसा बना होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्टेड है, फिजिकली कनेक्टेड है। इन अ मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। डिवाइस यानी कंप्यूटर, डिवाइस किसे बोलेंगे, कंप्यूटर को। तो इसमें क्या होता है कि हर कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ फिजिकली कनेक्टेड है। अ मैसेज कैन बी सेंट ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि एक मैसेज जो है दूसरे दूसरे सोर्स डेस्टिनेशन, यानी जिसने सोर्स क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसने इसको भेजना है मैसेज, तो ये आपका सोर्स होगा और ये आपका डेस्टिनेशन होगा। तो इसमें जो है पॉसिबल पाथ देखे जाएंगे, जैसे हम कहते हैं कि हमने अगर कहीं जाना है तो आपको बहुत सारे रूट्स लगते हैं, यानी बहुत सारी सड़कें लगती हैं, तो वो आप किस तरह को चूज करोगे जो सबसे ज्यादा करीब होगी, या उसको चूज करोगे जिसका रास्ता साफ है, बेशक थोड़ा सा लंबा हो लेकिन रास्ता साफ हो। ऐसे ही नेटवर्क के अंदर भी यही होता है, मेश टोपोलॉजी के अंदर। मेश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, ये इम्प्रूव का मतलब है वो सही करना ठीक है, परफॉर्मेंस एंड उनकी जो कारकर्दगी है, और रिलायबिलिटी एंड उसका इंहसार होना। रिलायबिलिटी के अंदर तीन चार चीजें आती हैं, रिलायबिलिटी यानी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर वो कनेक्टेड ही नहीं है, इनकेस अगर ये वाला कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड ही नहीं है तो वो कैसे जो है मैसेज भेज सकता है। तो इसलिए क्या है कि रिलायबल यानी एक दूसरे पर डिपेंड करना, इन्हिसार करना। मेश नेटवर्क्स आर नॉट यूज मच इन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो है लैंड बोलते हैं, यानी ये छोटी छोटी बिल्डिंग में नहीं यूज होता, ये छोटे एरिया में नहीं यूज होता। इट इज मोस्टली यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया लैंड मैन वैन में हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं।
लोकल एरिया नेटवर्क आप इतना समझ लें, लोकल एरिया नेटवर्क आपके पास क्या होता है कि जब एक बिल्डिंग के अंदर या एक ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे, और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो ओवरऑल पूरी दुनिया के कंट्रीज पे जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस। जैसे कि हम मोबाइल यूज करते हैं तो हमारा कनेक्शन जो है दुबई में बैठे किसी के साथ हो सकता है, फ्रांस में, इटली में, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू होते हैं। तो इसी तरह से मैश क्या होता है कि हर मतलब अगर ये वाला कंप्यूटर है तो इसके साथ जितने भी बाकी कंप्यूटर हैं डिवाइसेस हैं अटैच होंगे। कैसे अटैच? फिजिकली अटैच। फिजिकली अटैच कैसे होंगे? जो वायर लगी होती है ना, वायर होती है यानी वायर के थ्रू, वायरलेस भी होता है वायर्ड भी होते हैं। तो आपके हम कहते हैं कि हम तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो कोई वायर नहीं लगी हुई। आप मतलब इसके साथ जो कोई वायर नहीं लगी हुई, लेकिन वो जाल कैसे फैला हुआ है? वो वायरलेस फैला हुआ, सेटेलाइट के थ्रू किया, लेकिन सेटेलाइट के थ्रू भी जो है वो चीजें फिजिकली तौर पर जा रही होती हैं। तो वो आप पढ़ोगे आगे जाके कि वो कम्युनिकेशन मीडिया कैसे कैसे होते हैं। बस इतना याद रखें कि एक डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस के साथ आपस में कनेक्टेड होती है। अगर अगर ये पांच डिवाइसेस हैं तो हर डिवाइस ये देखिए एक वो मैश बन गया हुआ है, स्टार बन गया हुआ, एक मैश बन गया हुआ। इस तरह से हर डिवाइस जो दूसरे के साथ अटैच होगी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके फायदे नुकसान क्या है? द यूज ऑफ डेडिकेटेड लिंक गारंटी दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड। यानी इसमें क्या है कि डेडिकेटेड लिंक क्या होता है कि आपके पास डेडिकेटेड लिंक जो जिस लिंक के थ्रू, जैसे कि ये है, ये क्या हमारे पास आएगा, ये जैसे रूट हम बोल रहे हैं, अगर इसने इसको मैसेज भेजना है तो हमारे पास ये वाला जो लिंक हो रहा है ये डेडिकेटेड लिंक होगा। ये क्या करता है, गारंटी देगा कि ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड, कि हर कनेक्शन अपना अपना डाटा खुद लेके जाएगा। इट एलिमिनेट्स ट्रैफिक प्रॉब्लम। इससे क्या होता है कि एलिमिनेट्स का मतलब होता है काम करना यानी खत्म करना, यानी एलिमिनेट उसको हर मसले का हल निकालना। ट्रैफिक प्रॉब्लम, ट्रैफिक में हमने क्या बोला है कि होता है कि इसमें जो इन केस अगर वो ये होता कि रिंग टोपोलॉजी की तरह हर एक के पास जाता मैसेज, फिर जिसका डेस्टिनेशन होता है उसके साथ मैच करता, लेकिन ऐसे नहीं है। इसमें क्या होता है कि वो पॉसिबल रूट देखेगा, यानी अगर इसने इसको मैसेज भेजे तो इसके पॉसिबल रूट्स क्या होंगे, पॉसिबल पाथ क्या होंगे, पॉसिबल पाथ इसके ये होंगे ना, यहाँ तो मैसेज यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएगा, एक ये पाथ हो गया, दूसरा यहाँ से यहाँ जाएगा, एक ये पाथ हो गया, एक ये यहाँ से यहाँ जाएगा, एक ये पाथ हो, अब डायरेक्टली एक पाथ ये है तो आप कौन सा पाथ चूज करोगे? तो सबसे छोटा यही ना, डायरेक्टली एक ये वाला। तो ये क्या करता है कि बाकी अगर वो यहाँ से होके आता तो उसमें ट्रैफिक हो जाती थी, हो सकता है कि इसको इसने भी मैसेज भेजा हो सकता है कि इसको उसने भी मैसेज भेजा हो, इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक हो जाती है। लेकिन अगर पॉसिबल पाथ आप चूज करते हो यानी इसने अगर इसको मैसेज भेजा, तो आप अगर ये सारे रूट चूज करने की बजाय डायरेक्टली ये वाला रूट चूज कर लेते हो, पाथ चूज कर लेते हो, तो उसकी वजह क्या होती है, ट्रैफिक प्रॉब्लम जो होती है कम हो जाती है। ए वन लिंक बिकम अनयूजेबल डज नॉट हार्म द एंटायर सिस्टम। लिंक फॉर एग्जाम्पल ये वाला रूट अगर खराब है तो बाकी सारा सिस्टम तो नहीं ना चलता, जैसे कि हमारी सड़कें होती हैं। तो अगर एक आपकी रस्ते का वो जो है एक ही सड़क लग रही होती है तो आपको वो टूटी हुई है तो आपने उसी के थ्रू जाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे अगर नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि अगर एक सड़क जो है यानी एक पाथ उसका खराब हो गया तो बाकी उसका बाकी एंटायर यानी फुल सिस्टम सारा सिस्टम है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी वो अपना काम करते रहेंगे। इट इज इजी टू ट्रबल शूट, इसको हल करना, इसके मसले जो होते हैं मेंटेन करना, और इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गए हैं तो उसको मेंटेन करना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस, अ फुल मैश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी एक पूरा मैश अगर आपने बनाया तो ये बहुत महंगा पड़ता है। इट इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकनफिगर, इसको दोबारा से इंस्टॉल करना और रिकनफिगर यानी एक कन्फिगर यानी मसले का हल करना, और मसला रिकनफिगर यानी दोबारा से उस मसले को हल करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी जो पहली बात की है ना कि फुल नेटवर्क जो है वेरी एक्सपेंसिव, ये कैसे है, इसकी बात इसकी आसान एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि आपके पास जो है वो व्हाट्सएप है, ठीक है, आपको पता है कि ये एक मैश है, यानी जो व्हाट्सएप को यूज करते हैं वो एक मैश है, ये एक जाल बना हुआ है। तो अब इसका वो एक फुल उसने मतलब हम यूज कर रहे हैं, एक मोबाइल लेना हमारे लिए आसान है, एक कंप्यूटर बनना हमारे लिए आसान है, लेकिन ओवरऑल सबको इकट्ठा लेना बहुत मुश्किल होता है। तो जो मेटा है यानी व्हाट्सएप जिसे फेसबुक बोलते हैं, मेटा को फेसबुक का मेटा बोलते हैं,
तो वो जो है वो क्या है कि उसने मेटा नहीं, वो व्हाट्सएप जो ऐप बनी थी उसके सारे जाल को यानी इसको सारे को खरीद लिया है। तो बहुत बहुत महंगा है अगर हम इसको देखें तो वो कैसे हुआ, तो हम कह सकते हैं कि मेटा ओनर बाय व्हाट्सएप इन हाउ मच मिलियन कर ले तो ज्यादा सीधा। अच्छा यहाँ पे ये 19 बिलियन, ये देखे इसने मेटा ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन में बॉट किया, ये खरीदा है, इसे खरीदा है यानी ये बनाया किसी और ने था ये सारा जाल, लेकिन उस सारे जाल को उसने 19 बिलियन में जो है, अब ये पता नहीं कितने खरब बनते हैं इसको, डॉलर्स हैं, डॉलर्स हैं हमारे, 19 खरब नहीं है, 19 डॉलर्स, 19 बिलियन को वो चेक करें तो वो बहुत ज्यादा जो है वो बनता है इसमें, ये इतना महंगा ये एक इसको खरीदना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये हमारा सारा टॉपिक था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्टली इसके अंदर जो है, मैंने आपको बताया था कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पे आए तो आपको बस या स्टार के बारे में पूछते हैं या सिर्फ स्टार टोपोलॉजी के बारे में पूछते हैं या ट्री टोपोलॉजी में पूछ लेते हैं, मैश का कम ही आता है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन सबसे ज्यादा ये आसान है। तो इसके आपने एक चीज ये है कि इजी बहुत ज्यादा है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसकी वर्किंग भी आपके लिए बहुत इजी है। मसला कहाँ होता है बच्चों को, मसला यहाँ पे होता है कि इसके जो अलग ही डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस है ना, फायदे और नुकसान, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आप उसे मिक्स कर देते हैं, तो आप ये कर मिक्स नहीं करना चाहते तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा यानी इसके डायग्राम को समझना होगा, तो फिर ये आपके मिक्सअप नहीं होंगे। तो अगर मिक्सअप होते हैं तो आप इनका वापस में डिफ्रेंशिएट करो कि इसका क्या इसकी डायग्राम ऐसे इसमें क्या प्रॉब्लम थे, अगर वो चीज़ आपस में आपको पता है ट्रबल शूट कंफिगर लेस एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ये बार बार रिपीट होके आ रहे हैं, तो उनका अपने में डिफ्रेंशिएट करना कि वो ये लेस एक्सपेंसिव कौन है एक्सपेंसिव कौन सा है, तो वो आपके लिए इसको याद करना आसान हो जाएगा।